नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रिटिकल डिजीज लाइक किडनी फेलियर, लाइक हार्ट डिजीज, पूरी दुनिया के लोग आज भारत की ओर देख रहे हैं और पूरे भारत के लोग आज वाराणसी की ओर देख रहे हैं। गंभीर से गंभीर समस्याओं में और किडनी फेलियर में रिलीफ पा रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। दूर दूर से चल के लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चिराग तले अंधेरा। आज यहाँ पर हमारे आसपास के लोग ही शायद भरोसा नहीं कर पाते कि आयुर्वेद में वो शक्ति है जो आपको रोगों से मुक्ति दिला सकता है। आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगा जो महाराष्ट्र से चल के नागपुर से चल के हमारे पास में आए, किडनी डिजीज के साथ और क्रिटिकल प्रॉब्लम से भी उन्होंने मुक्ति पाई और आयुर्वेद पे आरोग्य पे भरोसा करके एक नॉर्मल लाइफ की ओर आगे बढ़े। तो आज मैं केस स्टडी डिस्कस करूंगा राधा भाई का, तो आइए देखते हैं इनके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुबड़े और ये मेरी माता जी है राधा भाई कुबड़े। हम नागपुर महाराष्ट्र से आए और मेरे माता जी को कम से कम पाँच साल से किडनी का प्रॉब्लम था। 5 साल से हम एलोपैथिक में बहुत उपचार कर चुके थे पर कोई असर उतना मिला नहीं और दिन ब दिन किडनी ख़राब होती जा रही थी। फिर हमारे एक रिलेटिव ने बताया कि बीके आरोग्य वाराणसी में कोई इसका ट्रीटमेंट होता है, तो हम वहाँ पे आए और डॉक्टर चौरसिया साहब से मिले। फिर उन्होंने हमें सजेशन दिया कि 10 दिन एडमिट रहो और उसके बाद उस जो ट्रीटमेंट होगी उससे काफ़ी हद तक किडनी का उपचार अच्छे से हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे 10 दिन एडमिट रहे। जब पहले दिन एडमिट रहे तो माता जी का क्रिएटिनिन 5.10 था। उसके बाद 10 दिन, अब 10 दिन के बाद क्रिएटिनिन अभी 4.51, मतलब आधा घट गया है और ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। और उसमें भी थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से पानी जमा हो रहा था पेट में और वो भी अभी क्लियर हो गया। और मेरा ये कहना है कि एलोपैथिक से अच्छा आयुर्वेदिक दवाई अच्छा किडनी पे काम करती है। तो मेरा ये कहना है कि आयुर्वेदिक दवा लेना है तो बीके आरोग्य में एक अच्छी जगह है जहाँ पे अच्छा उपाय होता है और अच्छी ट्रीटमेंट भी होता है। और बीके आरोग्य एडमिट जब हुए थे तब से यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुई बहुत ही अच्छी तरह से हुई है और बहुत ही फ़ायदा मेरी मम्मी को मिला है। दोस्तों, सुना आपने, ये पेशेंट 5 साल तक देश के कोने कोने भटक चुका। शुरुआती स्टेज से इंड स्टेज पे पहुंचा, डायलिसिस की सलाह मिल गई। किडनी फेलियर के अलावा कई सारी समस्याएं, लीवर डिस्टर्ब, पेट में पानी भर गया, साइटिस की दिक्कत हो गई, एसिडिटी की गंभीर समस्या और इन सब का कोई इलाज नहीं। बीपी अनकंट्रोल, फिजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब, वीकनेस जबरदस्त तरीके से। अब इस पेशेंट को, जिसके लिए एलोपैथ अपना हाथ खड़ा कर चुका था और देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल, महाराष्ट्र से लेके और दिल्ली तक के बड़े बड़े डॉक्टर्स जहां हार मान चुके थे, वहां बेनिफिट हुआ आयुर्वेद से और आरोग्यम से। ये पेशेंट हमारे पास वाराणसी में आए। जैसा कि आपको पता है, इन प्रॉब्लम्स का एलोपैथ में कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने इनको इन हाउस यानी कि IPD एडमिट में लेने का डिसीजन लिया। आरोग्य धाम, जो भारत की एकमात्र किडनी डायबिटीज हॉस्पिटल है, वहाँ हमने इनको एडमिट किया। इनकी डाइट, इनका ट्रीटमेंट, इनकी मेडिसिन, पंचकर्मा, इनका योगा प्राणायाम, इनकी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स, एक कंबाइंड प्रोसेस के साथ हमने काम करना शुरू किया। जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ, जब हम किडनी का इलाज करते हैं तो एक्चुअली हम सिर्फ किडनी का इलाज नहीं करते, हम आपके पूरे काया का उपचार करते हैं, पूरे शरीर का उपचार करते हैं। और परिणाम ये होता है कि किडनी पेशेंट्स की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हार्ट डिस्टर्ब होता है, बीपी अनकंट्रोल होती है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, न्यूरो की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, चमत्कारी रूप से उन सब में भी एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा ही हुआ राधा भाई जी के साथ में। राधा भाई जी को पेट में पानी भरा था, बार बार टैपिंग करके पानी निकालना पड़ता था। इनका लीवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, लीवर से संबंधित गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी। लेकिन मात्र 10 दिनों के इलाज के बाद आज पेट में पानी भरना बंद हो गया, लीवर एक नॉर्मल कंडीशन की ओर चला गया, क्रिएटिनिन बढ़ना रुक गया और बैक होना शुरू हो गया, बीपी कंट्रोल हो गई, वीकनेस दूर हो गई। इन शॉर्ट,
किडनी प्रॉब्लम के साथ साथ अन्य गंभीर प्रॉब्लम, एसाइटिस की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इन सबसे राधाबाई आज मुक्त हो चुकी हैं, एक नॉर्मल और स्वस्थ जिंदगी जीने को तैयार है। और ये एक उदाहरण है, एक आशा की किरण है उन लोगों के लिए जो अपने गंभीर और असाध्य रोगों से हार मान चुके हैं, जो मान चुके हैं कि इसका आप कोई इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, आयुर्वेद में हो सकता है, काशी में हो सकता है। काशी जो आयुर्वेद की जननी है और जहां आरोग्य धाम और आरोग्यम हजारों लोगों को एक आशा की किरण दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके आसपास में, आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति जो किडनी डिजीज से ग्रसित हो, किसी गंभीर समस्या से ग्रसित हो और वो अपनी आशा छोड़ चुका हो, ये वीडियो उस तक पहुंचाए। आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम डायरेक्टली आपको आंसर देंगे। किसी भी तरह की और क्वेरी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।